आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देशभर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना पड़ सकता है महंगा, सरकार ने जारी किया है अलर्ट। अब आपका जो पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना जो है महंगा पड़ सकता है, सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। जब भी हम किसी बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट वगैरह आदि जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर फ्री वाईफाई जोन जो है मिल जाता है। वहीं जगहों पर आप स्मार्टफोन या लैपटॉप आदि को वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इस तरह के जोन को पब्लिक वाईफाई कहते हैं। इन फ्री वाईफाई जोन में अब आप कुछ समय के लिए जो है इंटरनेट की सुविधा का आनंद ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है? दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने लोगों को जो है पब्लिक वाईफाई यूज़ करते समय सावधानी बरतने के लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल पब्लिक वाईफाई हमेशा से ही जो हैकर्स के निशाने पे जो है वो रहा है। हैकर्स वाईफाई की मदद से लोगों के डिवाइस को हैक कर सकते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। वह इसका पता भी जो है यूजर्स को पता नहीं चलता है और उनके डिवाइस से हैकर्स उनकी निजी जानकारी, जरूरी डेटा यहाँ पर उड़ा लेते हैं। इसी खतरे को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जरूरी टिप्स जारी किए गए हैं। वही यहाँ पर कुछ जरूरी टिप्स जो है इसको लेकर यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वाईफाई पर अपना डिवाइस कनेक्ट करने से पहले वहाँ के स्टाफ से नेटवर्क का नाम या लॉगिन सही तरीके से जान लें। इसके अलावा पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते समय कभी भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बैंकिंग या फिर कोई सेंसिटिव एक्टिविटी करने से आप बचने का प्रयास करें। इसके अलावा जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक वाईफाई जो है पब्लिक उसका यूज़ करने से बचे। ये यहाँ पर सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, नाबालिगों को ना दे वाहन नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना, अगर से लागू हो रहे हैं नए नियम। नाबालिगों को यहाँ पर वाहन देने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। जैसे अगर आप भी अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हैं तो 1 अगस्त से पहले ऐसा करना आप बंद कर लें, क्योंकि 1 अगस्त से पुलिस की ओर से नाबालिग वाहन चालकों को यहाँ पर जो भी वाहन चालक जो है उनके वाहन जब्त कर उनके अभिभावकों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए पुलिस की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया आपको कि राष्ट्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में सख्ती लाते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। 1 अगस्त से अगर कहीं पर भी नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों पर जो मामला जो है वो दर्ज होगा, जिसमें जो है कानूनी सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। लिहाजा 1 अगस्त से जो है यहाँ पर 1 अगस्त को जो है मात्र 3 दिन का भी 1-2 दिन का समय जो है बचा है। इसके बाद नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों पर कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करते हुए पिछले कई दिनों से जो लगातार निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि नाबालिग बच्चे जागरूक होकर 1 अगस्त से मोटर वाहन ना चलाए। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो अभी भी कई नाबालिग सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते हुए दिखाई देते, शायद उन्हें या फिर उनके अभिभावकों को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो पंजाब के अंदर जो है पुलिस की ओर से जो है ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यहाँ पर लोगों से अपील की गई है कि आप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। 1 अगस्त से पुलिस की ओर से नाबालिग वाहन चालकों को पकड़कर जो है उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये पंजाब से बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ब्लड प्रेशर बुखार की दवाएं 11 रुपये हुई है महंगी। कंपनी ने हाल में बड़ी संख्या में दवाओं की कीमतों में 5 से लेकर 27 रुपये तक का इजाफा किया है। डियाजिन 100 ml सिरप जो है 7 रुपये महंगा किया गया है। ब्लड प्रेशर की दवाएं 27 रुपये जो है महंगी हुई है। बुखार की दवा जो है जीराडोल MR की कीमत जो है 11 रुपये की वृद्धि की गई है। डोल में भी जो है 7 रुपये की वृद्धि की गई है। दरअसल लखनऊ के दवा कारोबार का कहना है कि हालांकि कुछ महीनों में माल भाड़ा, ढुलाई और दवा निर्माण के इस्तेमाल में आने वाले केमिकल जो है वो महंगा हुआ है, कुछ रसायन निर्माण में मामूली वृद्धि हुई है जिनका प्रयोग चंद दवाओं में होता है। इसके बावजूद कंपनियां जो है कमाई के लालच में दवा की कीमतें बढ़ा रही है। हालांकि दवा पैकिंग बेहतर बनाने के लिए कंपनियां प्रयास कर रही है, संभव इसका असर यहाँ पर हो। वही कई तरह की दवाएं जो है अभी यूपी में जो है महंगी होने वाली है, ये बात यहाँ पर कही गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब आसमान में भी नहीं टूटेगा अब आपका इंटरनेट कनेक्शन। विस्तारा ने फ्लाइट में दी है वाईफाई की सुविधा। अब आप फ्लाइट से सफर करते होते हैं तो मोबाइल और इंटरनेट सर्विस कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। दुनिया से जो है कट जाने के कारण आपका फोन फ्लाइट मोड में चला जाता है।
लेकिन अब लाइट में भी जो है इंटरनेट यूज आप कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। दरअसल टाटा ग्रुप की विमानन कंपनी जो है विस्तारा, उसने कंपनी जो मतलब विस्तारा कंपनी जो है विस्तारा एयरलाइंस, उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में यात्रियों को करीब 20 मिनट तक जो है कंप्लीमेंट्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मिलेगी। वह एयरलाइंस ने एक बयान में जारी कर कहा है कि 20 मिनट को यहाँ पर 20 मिनट के फ्री वाईफाई सुविधा कंप्लीमेंट्री होगी। इसकी वजह से यात्री आसानी से अपने परिजनों के साथ यात्रा के दौरान जुड़ सकते हैं। वहीं ज़्यादा समय तक वाईफाई उपयोग करने पर भारतीय क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से जो प्लान जो है वो खरीदने होंगे। वही कंपनी ने अपने बयान में यहाँ पर कहा है कि विस्तारा के यात्री जो है बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों और एयरबस A321 नियो विमानों द्वारा संचालित फ्लाइट फ्री वाईफाई की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। बिजनेस क्लास और विस्तारा प्लेटिनम क्लब के सदस्यों को 50 MB कम्प्लीमेंट्री वाईफाई जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्री वाईफाई सुविधा देने वाला पहली भारत की एयरलाइंस कंपनी जो है ये बन गई है। तो बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के आ रही है कि अब आप आसमान में भी जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नहीं कटेगा। विस्तारा कंपनी जो है इस तरह का ऑफर जो है वो आपके दे रही है। बात हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को झटका, सरकार बंद कर सकती है ये स्कीम। अगर आप इस सोने में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। दरअसल यहाँ पर इसमें आपको झटका भी लग सकता है। दरअसल सोने में निवेश को हमेशा जो है फायदेमंद माना गया। इसमें निवेश करने वाला व्यक्ति को जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा मुनाफा ही मिलता है, इसलिए सरकार भी कई तरह की स्कीम चलाती है। वही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम उन्हीं में से एक स्कीम यहाँ पर है। खबरों के मुताबिक सरकार अपनी इस स्कीम को बंद कर सकती है, इसकी ये मतलब इसकी किस्त में जो है यहाँ पर कमी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन निवेशकों को काफ़ी नुकसान होगा जो इसमें अच्छे रिटर्न की आस लगाकर जो है निवेश किए बैठे हैं। दरअसल हाल ही में पेश किए गए बजट में सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। कस्टम ड्यूटी में कटौती से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की मांग में यहां पर मांग जो है उसमें कमी आने की उम्मीद है। कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद एनएसई उस पर एसजीबी की कीमतों में 2-5% की गिरावट आई है। वही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में शुरू हुई थी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आरबीआई की ओर से जारी की है, यहाँ पर सरकार से जारी करती है। इसके लिए सरकारी गारंटी होती है, इसमें निवेश पर गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसमें निवेश पर सालाना 2.5% ब्याज मिलता है। ये पैसा जो है 6 महीने पर निवेशकों के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। वही इस स्कीम की पहली किस्त 30 नवंबर 2015 को आई थी, ये 2023 में मैच्योर यहाँ पर हो गई। तो ये यहाँ पर स्कीम को लेकर जो है फिलहाल बादल जो है मंडरा रहे हैं। क्यों बंद हो सकती है तो बताया आपको कि मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक कस्टम ड्यूटी कटने से सोवरेन बॉन्ड की मांग में कमी आ सकती है। वही सरकार का मानना है कि स्कीम मतलब ये स्कीम उसके लिए महंगी पड़ रही है, यही कारण है कि सरकार स्कीम को बंद करने या फिर काम यहां पर कम करने का प्लान जो है बना रही है। वही दूसरी ओर सरकार की ओर से सीनियर अधिकारी के मुताबिक सरकार इस वित्तीय वर्ष के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का लक्ष्य 38% कम जो है वो कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि खबरें जो है मौसम से जुड़ी आप लोगों को रोजाना सबसे पहले मिलती रहे।